एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जवान आतंकियों से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे 5 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने LOC के नजदीक ही 5 अप्रैल को मार गिराया। ये आतंकी 5 दिन से सेना की रडार पर थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते कुछ परेशानी आ रही थी। इसी को देखते हुए ऑपरेशन डमडोरी बहक शुरू किया गया, लेकिन इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के भी 5 जवान शहीद हो गए। मारे गए इन आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मार्क के खाने पीने का सामान मिला है। ऑपरेशन में शामिल रहे स्पेशल फोर्स के एक कमांडो ने बताया कि 1 अप्रैल को सूचना मिली कि 5 आतंकी LOC के पास केरन सेक्टर में देखे गए हैं। ये सभी घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे। जानकारी मिलते ही आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन मौसम खराब था, रुक रुक कर बर्फबारी हो रही थी। खराब मौसम के चलते 4 अप्रैल तक आतंकियों से कोई मुकाबला नहीं हो पाया, जिसके बाद शुरू किया गया ऑपरेशन डमडोरी। स्पेशल फोर्स के 5 जाबाज कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से एक जगह पर उतारा गया। जिस जगह पर उन्हें उतारा गया वो 11 फीट की ऊंचाई पर थी। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन सूबेदार संजीव कुमार की लीडरशिप में शुरू हुआ। कमांडो के मुताबिक इंडियन आर्मी के इस इलाके में पहुंचते ही आतंकी 2 पहाड़ियों के बीच में बने हुए एक नाले में कूद गए। नाले के अंदर ही आतंकियों को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन बर्फ की स्लाइड के चलते हमारे 2 जवान भी नाले में गिर गए। साथ ही जवानों को नाले में देखकर दूसरे जवान भी नाले में कूद पड़े। आमने सामने की फायरिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही सभी कमांडो ने 5 आतंकियों को मार गिराया। 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, 2 अन्य को गोली लग गई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को बॉर्डर के इस पार भेजने की कोशिश कर रहा है। मार्च में ही पाक 411 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा। न्यूज डेस्क।